हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और नॉर्मल रूटीन है घर में जो है ना, मैं खाना बना रही थी। खाना दो किस्म का बना रही हूँ। एक तो अपने लिए चिकन कड़ाही बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है, रेसिपी शेयर की हुई है। और दूसरी साइड पर जो है ना, बच्चों के लिए जो पास्ता है वो बना रही हूँ, तो बच्चे वो शौक से खाते हैं। तो बस ये मेरा खाना रेडी होने वाला है। खाना रेडी करके यहाँ पे एक नया जो है ना वो ग्रोसरी स्टोर खुला है। मैंने कहा इतना हम ग्रोसरी स्टोरों पे जाते हैं तो विज़िट करते हैं नए स्टोर को, क्या पता कुछ थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो विज़िट करते हैं, वो सारा स्टोर आपके साथ मैं विज़िट करती हूँ। और उसके अलावा जो है 14 अगस्त की काफ़ी वीडियोज़ मैंने लगाई हुई हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखें कि अमेरिका में हम लोग रह के किस तरह जो है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत मज़ा आता है और सारा साल जो है ना हम वेट करते हैं कि ऐसा जो है ना इवेंट आए जिसमें सारे जितने भी पाकिस्तानी हैं ना वो सारे इकट्ठे होते हैं और फुल इंजॉय करते हैं। और पाकिस्तान के जो हैं बड़े माशाल्लाह सिंगर्स जो हैं वो आते हैं। जीता क्या था गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले गाइस बता दो ना, गाइस हम कहाँ जा रहे हैं? तो रास्ते में जो है ना मैकडोनल्ड आया था, बच्चों ने वहाँ से फ्राइज़ खाए। और हसन को ये होता है कि अब मैं भी इसी तरह जो है ना कैमरा पकड़ के बोलूँ और वो हेलो गाइस और अपनी बतोलियाँ मारता रहता है। मैंने कहा वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये नया जो स्टोर है यहाँ पे हम आ चुके हैं और बहुत अच्छा है। अब मैं तो स्टोर पे जो है ना फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, हस्बैंड मेरे जो है 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। यहाँ से जो है सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। पहली बात यह है कि पहले हम देखेंगे, मैं तो खुद देखूँगी। अच्छा, पहली तो इस स्टोर की जो सबसे मज़े की बात है ना, ये छोटी छोटी सी जो ट्रॉलीज हैं, तो ये कार्ड्स जो हैं बच्चों के लिए हैं। और इसमें फिर यह कि बच्चे हमें तंग नहीं करते, दोनों एक एक पकड़ लेंगे और हमने जो चीज़ भी ख़रीदनी होगी ना वो हम इसमें डालते जाएंगे। ये मज़े का जो है ना वो होता है काम, कि बच्चे भी जो है इंजॉय करते हैं, खेल में लगे रहते हैं और हमारी जो है ना ईज़िली ग्रॉसरी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं यही ग्रॉसरी से जो हैं वेजिज़ वगैरह हैं इनसे। तो ये डिफरेंट जो है वो कीमतों की लगी हुई थी, सस्ती ही थी, नॉर्मल थी, जिस तरह जो हम वेजी स्टोर पे जो जाते हैं ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको जो है ना रिजनेबल मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खीरे वगैरह का जो एक पैकेट है इसमें ऑलमोस्ट 6 होते हैं, ये $2 का है। और महंगाई तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, इवन के टमाटर भी जो $2 के हैं ना वो ऑलमोस्ट 5 टमाटर जो है वो $2 के हैं। और हाँ, ये कि टमाटर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो ये डिफरेंट खुले भी पड़े हैं, आपकी चॉइस है, आप जो है वो खुले लेना चाहते हैं। और ये जो है जो 5 का एक पैकेट है ना वो $2 का ऑलमोस्ट, तो बस रिज़नेबल ही है। कोई हर जगह दुनिया में हर तरफ जो है ना वो महंगाई ही महंगाई है। तो बस ये हम लोग ने जो लेने थे, ये कुकम्बर्स वगैरह होते हैं। अच्छा, इसके ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं कुकम्बर्स, डेली खाने चाहिए बच्चों को। सैलड जो है ना वो मैं लाजमी देती हूँ, तो मेरे ये एवरी जो है ना 2-3 डेज़ बाद मुझे लेने पड़ते हैं। और फिर ये भी होता है कि फ़्रेश ले लें ताकि चीज़ जो है ना फ़्रेश पाए। तो ये इसी तरह जो है ना लाल मूली थी और ये भी $1.5 की थी। और सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है, तो ये इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कीमतों की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, वेजिटेबल्स सारी जो हैं। और फिर हमने जो है ना ये वाला एक पैकेट ले लिया। और वही बता रही हूँ, जो दूसरे वेजी स्टोर है ना वहाँ से जो है वो सस्ती पड़ जाती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सारे टमाटर आ जाते हैं। ये तो जो है एमरजेंसी है, टमाटर जब ख़त्म हो तो फिर हमें यहाँ से लेने पड़ जाते हैं। और फिर ये कि अब ये नया स्टोर खुला था, मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं, टमाटर ख़त्म थे तो ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म थी ना वो ले लें। लेकिन जो है इकनॉमिकली जो है ना वही जो वेजी स्टोर है ना वो अच्छा पड़ता है, LMR जो है। तो बस आगे हम देखते हैं और क्या क्या स्टोर में है। ये तो सारा जो है वो वेजी एरिया था। और उसके अलावा ये सारे जैम्स और पीनट बटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम ही है, ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी नहीं है ना कि एक चीज़ है ब्रांड की है तो वो हर जगह सेम प्राइस में ही पड़ी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कीमतों की होती है। और अब आगे जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रॉकरी भी है और बाकी जो है ना फ्रोज़न चीज़ें भी हैं, चिकन वगैरह भी है, मीट वगैरह भी है, पूरा एक प्रॉपर जो है ना वो स्टोर है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी।
अच्छा ये बच्चों के जो टॉयज थे ना ये थोड़े से महंगे थे, और उसके बाद ये जो है और ये प्लास्टिक के जो बच्चों की प्लेट्स कप्स वगैरह थी ये भी अवेलेबल थी, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना $2 की, और इसमें 6 ग्लास थे यानी $2 के 6 जो है प्लास्टिक के ग्लास और इस तरह। और ये जो आटा गूंदने वाली मशीन आ गई और ये ऑलमोस्ट $40 की, काफ़ी सस्ती है लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना था काफ़ी महंगी भी है, तो ये इतनी ज़्यादा मैं तो खैर मशीनरीज जो है ना वो यूज़ नहीं करती, नेचुरल तरीके से जो है वो मैं बनाती हूँ। इतना ज़्यादा आपने ले के क्या करके क्या करना है, नेचुरल तरीके से आटा गूंदें तो वही बेस्ट रखते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। तो ये सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, और फिर ये कुकीज़ वगैरह आ गई ऑलमोस्ट $3 के, ये काफ़ी लोग जो है पसंद करते हैं, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो कोकोनट वाला फ्लेवर है ना वो तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हमारी ग्रॉसरी तो कंप्लीट हो गई थी और इस लिहाज से बड़ा अच्छा था, रिलैक्स होकर सारी चीज़ें भी देख ली और सारी ग्रॉसरी भी कर ली, क्योंकि दो जो बच्चों के पास कार थी ना वो चलाते रहे हैं, वो इधर उधर भागे नहीं, वो अपना जो उसी में इंजॉय करते रहे हैं कि हम शॉपिंग कर रहे हैं और फिर उसके बच्चे चेकआउट भी करवा रहे हैं ख़ुद, तो ये बच्चे जो है ना इस चीज़ में इंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे, हमने भी रिलैक्स होकर सारी जो है ना ग्रॉसरी भी कर ली और देख भी ली, तो बड़ा मुझे ना अच्छा लगा। स्टोरी है कि आपकी जो चीज़ें थोड़ी रिजनेबल प्राइस में हो तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें महंगी हैं कुछ सस्ती हैं, तो इस तरह हर डिफरेंट स्टोर्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जाते हैं ग्रॉसरी करते हैं स्टोर्स पे जाते हैं तो आपको पता चल जाता अच्छा ये चीज़ महंगी यहाँ से है यहाँ से सस्ती है, तो इस अल्टरनेट करके थोड़ा सा अपना गुजारा कर सकते हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं बाहर, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये बच्चों ने अब बाहर तक खुद जाना है, और ये गाड़ी में खुद ही सारी जो है ना वो ग्रॉसरी रखेंगे, इन्होंने बस यही प्रिटेंड करें कि सारे कुछ हमने खुद लिया और हमने खुद अब सारा जो है ना वो गाड़ी में रखना है। हमने बस ग्रॉसरी कर लेती है, अब हम बस जाने लगे क्योंकि नाइट हो गया है। अगर आप दूसरी वीडियो देखेगी उस वीडियो में मन आपको कोई डिफरेंट आएगी है, लेकिन अभी नहीं था हमने जो वीडियो देखनी है, फिर मन आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी, फिर आप दोनों अगर आपको जीवड़ी और वीडियो अच्छी लगी, हमके घर के पास भी है लेकिन थोड़ा सा दूर है, एक पार्क भी है, तो अब हम बस गाड़ी में रखने लेते हैं, तो ये हमने बस स्टोर को बाय बाय कर दिया है, तो अब हम बस जा है, अब हमने बस चीज़ें रखनी है, हम की गाड़ी में इतने ज़्यादा चीज़ें हैं इसलिए हम दूसरी साइड पर रखते जा है चीज़ें, हर सिर्फ फर्स्ट की मन हमने सेकेंड, तो अब हमने मन ने आइडिया तो मैंने सारी सर पे रख दी थे, फिर मन ने अब रख दिया है, और अब अल्लाह हाफिज बाय बाय। आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों ने इंजॉय की हो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।